हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और रिकॉर्डिंग के साथ मैं आ चुका हूँ आप लोग के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो भी जो अच्छा नहीं बनाया, आज भी जो है पता नहीं क्या हो चुका है। मैं आप लोग को क्या बोलूँ, क्योंकि जो दूसरी फीमेल थी जिसका मेल उड़ा था, वो फीमेल भी उड़ चुकी है। और फीमेल ना ही बेबी को अच्छे से फीडिंग करा रही थी। उसको मैं रोज़ डालता था खाना, हर 5 मिनट में खाना डालना पड़ता था मेरे को। आप लोग ने भी बोला कि बेबीज़ को हैंड फीडिंग पे उठा लो। सो मैं कल ही हैंड फीडिंग पे उठाने वाला था बेबीज़ को, पर कल ही जो है एक सीन हो चुका है। कल क्या हुआ था, कल जो है फीमेल जो है वो सामने से उड़ गई पता नहीं कैसे। और मैं खाना डाल रहा था उसको हर 5 मिनट में, जैसे मैं खाना डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी सोचिए, जैसे कि आप 5 मिनट में, हर 5 मिनट में बर्ड्स को खाना पीना डाल रहे हैं, तो क्या है कि बहुत वो हो जाता है, माइंड काम नहीं करता है। क्योंकि जो है बर्ड्स अगर खाना फेंकना लगे, और आप लोग ने बहुत लोग ने बोला पेपर भाई नीचे रखो, तो पेपर भी भाई मैं रखता था, तो वो जो है गीला कर देती थी, पानी भी ढोल देती थी, इसीलिए पेपर बहुत गीला हो जाता। फिर उसके ऊपर दाने गिरते थे तो दाने ख़राब हो जाते थे। सो मैं पेपर नहीं बिछाता था, सब कुछ नीचे जाता था, और नीचे मैंने कुछ भी नहीं बिछाया था। सो पेपर भी मैंने नहीं डाला। तो फीमेल भी जो है कल उड़ चुकी है, फाइनली कल ही उड़ी है वो भी। और जो खाना पीना मैं रोज़ बदलता हर 5 मिनट में, तो पिंजरा जो है हल्का सा रह गया होगा, तो वो वापस से उड़ चुकी है। उसका मेल जैसे उड़ा था, फीमेल भी उड़ गई है। सो उसके जो बेबीज थे कल ही मैंने हैंड फीडिंग पे लिए थे, पर उसमें से जो है छोटा वाला बेबी का डेथ हो चुकी है। वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा कैसे क्या हुआ है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि क्या हालत हो चुकी है पूरे पिंजरे की, पूरे इन लोग के घर की क्या हालत हो चुकी है। दोनों मेल फीमेल उड़ गए, और सब खाना पीना सब कुछ भी नहीं, सब फेंक देती थी फीमेल। और पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा लगता था कि ये एक ना एक दिन उड़ जाएगी, मैं किसी को दे नहीं पाऊँगा। क्योंकि जो है फीमेल कुछ ज़्यादा ही, जैसे बोल सकते हैं उसका माइंड पता नहीं क्या हो गया था। आप लोग बोले थे उसे मेल दे दो, भाई मैंने अपना जो एक मेल रखा था, तो मेल के साथ उसने बहुत ज़्यादा ही फाइटिंग कर दी। तो मैंने सोचा अब उसको कोई मेल वेल नहीं देना है, क्योंकि जो एक मेल मैंने उसको दिया था तो उसने बहुत ज़्यादा फाइटिंग करी थी। सो अभी देख सकते हो, ये आपको दिख रहा होगा मटकी पूरी दिख रही है। सो मटकी मैंने ऊपर से उतारी थी, सो आपको मटकी भी दिख रही है। और कल रात की बात है फ्रेंड्स, कल रात को जो दोनों बेबीज़ को अच्छी से फीडिंग कराने के बावजूद जो है छोटा बेबी मर गया। और छोटा बेबी क्यों मरा है कुछ पता नहीं चल रहा। कल रात को जो बहुत ज़्यादा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा खेल रहा था। और क्या बोलूँ मैं, आप लोग मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा फ्लैशलाइट ऑन करके, तो आप लोग भी एक बार देख लीजिए और बताइए मुझे क्या है। तो फ्लैश लाइट ऑन कर दी, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिख ही रहा होगा आप लोग को, अंदर देख सकते हैं जो बेबी मर गया है। सो रिसेंटली मैंने अभी जो है एक को बाहर निकाल लिया है, और मैंने सुबह को जब देखा था अभी मैंने एक को बाहर निकाल लिया था। सो वो एक बेबी मैं आपको दिखाता हूँ, और वो जो है वो भी बिल्कुल हेल्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है कैमरा सेट कर दिया मैंने एक जगह पे, और बेबी देख सकते हैं उसको भी हैंड फीडिंग पे अपन फीड खिला रहे हैं। सो फीडिंग में मैंने जैसा कि आप लोग को फीडिंग फार्मूला बनाना सिखाया था, वही चीज़ जो है बनाई है मैंने, आप देख सकते हैं ये वही है। और इसे जो एकदम पेस्ट बना लिया है पूरा मस्त एकदम, देख सकते हैं, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। सो देख सकते हैं इतना आपको थिकनेस रखना है लिक्विड में। सो ये बन गया अपना ये, और इसे अपन स्पून से भी खिला के दिखाएंगे, और इंजेक्शन से भी खिला के मैं आपको दिखाऊंगा। पर आप बिगिनर्स से तो आप इससे खिला सकते हैं, क्योंकि आपके आप नए नए आप पहली बार उसको खिला रहे हो, तो आप इससे ही खिलाइए। सो मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे खिलाना है। सो ये रहा अपना बेबी, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसकी भी अभी बोल सकते हैं कुछ भी है ना, वजन वजन नहीं है आपको, भले इसकी हेल्थ अच्छी दिख रही होगी पर इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, पर इसको अपन ठीक कर देंगे थोड़े दिनों में। इतना हेल्दी नहीं है, पर उसके पर वर सब आ चुके हैं, पर ज़्यादा हेल्दी नहीं है वो। सो अब देख सकते हैं, इसको मैं अभी खिलाता हूँ और आप लोग देखिए। सो अभी जो है इसको ऐसे कर लेते हैं अपन साइड में बॉक्स को, और इसको इधर रखते हैं नीचे, और देख सकते हैं भाग रहा है। सो इसको पकड़ लेते हैं वापस से, इधर रख देते हैं, और ये बैठता नहीं है फ्रेंड्स। अभी एक जगह बैठ जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो देख सकते, अरे यार भाई बैठ जा। सो ये देख सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको पकड़ लेना है पहले, और फिर इसका ये जो आप देख सकते हैं हेड, उसको थोड़ा हल्का सा पकड़िए, ज़्यादा ज़ोर से मत पकड़ना, हल्का सा पकड़ने का है। और ये स्पून जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर पहली बार खिला रहे तो स्पून इसको आपको ऐसे भर लेनी है, और हल्की हल्की आपको चोंच के आगे ऐसे स्पून करके ऐसे खिलाना है, देख सकते हैं। और वो खा रहा है, देख सकते हैं, देख सकते हैं हल्का हल्का सा ऐसे, देख सकते हैं चोंच के आगे ऐसे रखना है, और ऐसे ऊपर थोड़ा करना है, तो क्या है उससे उसको अच्छी से फीडिंग मिलेगी। देख सकते हैं खा रहा है वो, और थोड़ी फीडिंग हो चुकी है अभी उसकी, अब खिलाते और इसको।
सो बस ऐसे ही देख सकते हैं, यही था फीडिंग, ऐसे ही करानी है आपको। मैं डॉलर को भी ऐसे ही कराता था, अब इसको भी ऐसे ही कराऊंगा, क्योंकि इसको भी अपन को यार अच्छी से रखना है। पता नहीं अपने घर में दो तीन बेबीज जो मर चुके हैं, अब उनको अब कुछ कर भी नहीं सकते, जो होना है वो तो होने ही वाला है। सो अब जो है इसे हम बचा के रहेंगे, इसको ऐसे भी कुछ होएगा नहीं मेरे को लग नहीं रहा अब, क्योंकि ये जो है फुली है ना कवर हो चुका है, अर्धा अर्धा कवर हुआ है, फुल कवर नहीं हुआ अभी। पर जो है सो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं खा रहा है, सो इसका पेट मैं ऐसे ही भरता हूँ और देख सकते हैं खाता है, फिर वो पूरा दिन ऐसे भागता रहता है, देखते हैं भाग भाग के उधर चला गया। सो वापस इसको इधर लेके आता हूँ मैं, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, मैं थोड़ा कैमरा जो है नीचे कर देता हूँ और आप शायद आप लोग को दिखेगा अच्छी से। फ्रेंड्स आप लोग देखिए ये अपना बेबी चिक, और एक बार और करीब से दिखा देता आप लोग को भी पता चलेगा कि कैसे करते फीडिंग। सो अब देख सकते ये स्पून है और लेके आया हूँ मैं, और इसको ऐसे खिलाना, देख सकते अरे देख सकते ये खा रहा है और हो गया। एक और बार खिलाते अपन, देख सकते ऐसे वो थोड़ा थोड़ा खाएगा, थोड़ा नाटक करेगा पर थोड़ा थोड़ा खा लेगा। ऐसे उसको आपको ऐसे ही खिलाना है, देख सकते हैं वो थोड़ा भागेगा इधर उधर ऐसा करेगा, पर आपको थोड़ा ऐसा कर देना है। वो 5 से 6 दिन में फ्रेंड्स आपको ट्रेन हो जाएगा वो पूरा, उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा खाना है और यही यानी इससे ही मेरे को खाना पड़ेगा। सो ये वही खाएगा, देख सकते हैं आप। एक और बार मैं आपको खिला के दिखाता हूँ, अब जो है शायद इसका पेट भर गया इसीलिए ऐसा कर रहा है ये। सो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार पेट इनका भरा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी जो है इसका पेट पूरा भर चुका है, मैं इधर से आपको चेक करने का होता है, देख सकते हैं ये जो पूरा फूल चुका है, तो यानी इसका पेट जो है पूरा भर चुका है, देख सकते हैं नीचे से भी। सो बस यही निशानी है पेट भरने की, तो अब इसे फटाफट से रख देते हैं अपन, भाग रहा है देख सकते हैं अभी। सो देख सकते हैं हो गया एकदम ठीक अपना ये चीज भी, इसको भी कुछ होएगा नहीं अब। सो इसको अभी खिला दिया और वापस से अब इसको रख देता हूँ मैं अंदर। चलिए बस आज का वीडियो था यहीं तक फ्रेंड्स, क्योंकि जो वीडियो को एंड करना पड़ा अपन को, सो वीडियो को एंड कर दे। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करेगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, ताकि अपनी बात हो सकती है उस पर। सो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।